द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। हमारे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन पर आधारित कथनों को हम वर्ग समीकरण के रूप में लिखकर उनका समाधान ढूंढते हैं। अब हम ऐसी ही कुछ परिस्थितियों के लिए कथनों को वर्ग समीकरण के रूप में लिखकर उनको हल करेंगे। उदाहरण चार। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल। माना कि वह संख्या 1 है तब एक्स का व्युत्क्रम 1/x होगा। इसीलिए एक्स पहली संख्या धन उसका व्युत्क्रम 1/x बराबर प्रश्न अनुसार 2 1/30 है। या यहां पे हम 1 और x का लघुत्तम x निकालेंगे और उसके बाद x को 1 से इसका हर है 1 तो हर से भाग करेंगे x भागित 1 तो x गुणित x करेंगे तो x की घात 2 धन x को x से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और 1 से 1 को गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा बराबर 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 और 60 धन 1 61/30। या तिर्यक गुणा करने पर 30 ऊपर आएगा कोष्टक में हम लिखेंगे x की घात 2 धन 1 बराबर 61x। या कोष्टक को खोलने पर हमें प्राप्त होगा 30x की घात 2 धन 30 बराबर 61x। या 30x की घात 2 61x का पक्षांतर करेंगे तो -61x धन 30 बराबर 0। अब 30 को 30 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 900। 900 का गुणनखंड निकालेंगे, उपयुक्त जोड़ा बनाएंगे कि उसका योग करने से हमें 61x प्राप्त हो और गुणा करने से तो हमें 900 प्राप्त होना ही होगा ही। तो या हम 30x की घात 2 को वैसे ही लिखेंगे और -61x को -36x -25x के रूप में लिखेंगे। अब -36 और -25 का योग -61 हो रहा है और 36 को 25 से गुणा करेंगे तो हमें 900 प्राप्त होगा। धन आखिरी पद हमारा तीसरा पद 30 है तो 30 बराबर 0 लिखिए। अब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। 30x की घात 2 -36x में हम 6x को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं तो 6 के पहाड़े में 30 आता है 5 तो 5x यहाँ बचा -6x कहीं हम निकाल चुके हैं तो यहाँ बचेगा 6 कोष्टक बंद। -25x और धन 30 में हम -5 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 25 जो है 5 के पहाड़े में 5 पंचे होता है तो 5x बचेगा और क्योंकि हमने ऋण चिन्ह भी उभयनिष्ठ निकाले हैं और हम जानते हैं कि धन जो होता है वो ऋण गुणित ऋण होता है तो हम क्योंकि ऋण निकाल चुके हैं तो यहाँ बचेगा ऋण और 5 के पहाड़े में 30 होता है 5 गुणा 6 तो यहाँ 6 हो गया कोष्टक बंद बराबर 0। या अब दो पद में हम उभयनिष्ठ निकालेंगे 5x - 6 और दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे 6x - 5 बराबर 0। या 5x - 6 बराबर 0 होगा या 6x
ऋण 5 बराबर 0, या हम x का मान निकालेंगे, ऋण 6 का पक्षांतर करेंगे तो ये धन 6 बटा 5, या x बराबर हमें प्राप्त होगा ऋण 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 और 6 को हम बटा में लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा, अतः वे संख्याएं, x बराबर 6 बटा 5 तथा x बराबर 5 बटा 6 होंगी। इस तरह से हमने संख्याएं जो निकाली है वो 6 बटा 5 तथा x बराबर 5 बटा 6 दो संख्या हमने प्राप्त की, या इस उदाहरण का हल होगा।